हो रहा है, किसानों का हो रहा है, मजदूरों का हो रहा है, जो छोटे दुकानदार हैं, मिडिल साइज बिजनेस वाले हैं, स्मॉल बिजनेस वाले हैं, उनका हो रहा है, एमएसएमईज का हो रहा है, सैलरीड क्लास सरकार के जो इंप्लॉयज हैं उनका हो रहा है, और जो ईमानदार इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका हो रहा है। अब मोनेटाइजेशन किसका हो रहा है? चार पांच नरेंद्र मोदी जी के जो मित्र हैं उनको आप चार पांच कह दीजिए, उनको आप हम दो हमारे दो कह दीजिए, जो आप कहना चाहते हैं कह दीजिए। तो ये इकोनॉमिक ट्रांसफर हो रहा है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकली है, मैं सोच रहा था, मोदी जी कहते रहते हैं कि जीडीपी बढ़ रही है। तो राहुल गांधी को आप सुन रहे हैं, महंगाई पर राहुल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया है, तेल की कीमतों से लोगों को चोट पहुंची है और सीधे तौर पर मोदी सरकार पर हमला करते हुए कि कुछ उद्योगपतियों को, कुछ एक तबके को ही उनकी मौजूदा नीतियों से फायदा हो रहा है। पेट्रोल की कीमतें तेजी से बढ़ रही है, तेल की कीमतों से लोगों को बेहद नुकसान हो रहा है, उनकी जेब पर भार पड़ रहा है। महंगाई पर राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है, पेट्रोल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। डायरेक्ट बताना चाहता हूं, 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, याद है आपको? 2014 में 410 रुपीस सिलेंडर की प्राइस थी जब हमने यूपीए ने ऑफिस छोड़ा। आज 885 रुपीस सिलेंडर की प्राइस है, 116% इंक्रीज। पेट्रोल की प्राइस 71.5 रुपीस 2014 में, आज 101 रुपया। वेयरिंग सारीज एंड ज्योतिष चार्टिंग संस्कृत मंत्रास हेरिटेज एंड फिलॉसफी द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस टुडे is one of the greatest cultural bridge between India and West. But Srila Prabhupada ji, with his ISKCON movement, efforts were not just limited to the foreign countries. प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में शामिल हैं। दरअसल स्वामी प्रभुपाद जी की 125वीं जयंती पर यह समारोह का आयोजन हुआ है और अब राहुल गांधी जो महंगाई पर निशाना साध रहे हैं मौजूदा सरकार पर और बता रहे हैं पेट्रोल की कीमतें किस तरह से आम आदमी के लिए घातक हैं। 880 आज 653, 26% कम। तो इंटरनेशनल मार्केट पे गैस प्राइस, डीजल प्राइस, पेट्रोल प्राइस, ऑयल प्राइस गिर रहे हैं और हिंदुस्तान में बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे जो एसेट्स हैं उनको बेचा जा रहा है। 23 लाख करोड़ रुपए सरकार ने जीडीपी से कमाया है। जीडीपी वो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं, जीडीपी मतलब गैस डीजल पेट्रोल। मेरा सवाल है ये 23 लाख करोड़ रुपए गए कहां? और जनता को ये पूछना चाहिए कि आपके जेब में से जो पैसा निकाला जा रहा है, छीना जा रहा है, ये कहां जा रहा है? जो हिंदुस्तान के एसेट्स हैं, हमारी कंपनीज हैं, उनको बेचा जा रहा है, डिमोनेटाइजेशन किया जा रहा है, नोटबंदी की जा रही है, जीएसटी आपसे पैसा छीना जा रहा है, किसानों के तीन कानून बने हैं वहां से आपका पैसा छीना जा रहा है, तो ये जा कहां रहा है? आपके पास नहीं आ रहा, आपके जेब में तो नहीं जा रहा। तो हिंदुस्तान के युवाओं को, जनता को यह सवाल पूछना पड़ेगा कि यह जा कहां रहा है, किसको मिल रहा है यह सब पैसा? अब अंग्रेजी में बोल देता हूं, डू आई नीड टू से इट इन इंग्लिश? हो कैन आई जस्ट यू लाइक मी टू से इट इन इंग्लिश? डू वांट मी टू ब्रॉडली इन इंग्लिश? हां ब्रॉडली, द गवर्नमेंट हैज ए न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी। न्यू कॉन्सेप्ट इज An increase in GDP means an increase in gas, diesel and petrol prices. Over the last 7 years, they've earned 23 lakh crores.
from an increase in diesel, petrol and gas. Every single person is affected by this. There are two effects. There's a direct effect and an indirect effect. The direct effect is when people buy fuel for their scooters, their cars, diesel for their trucks. An indirect effect is when the price of diesel, petrol rises, the price of everything rises because transport costs increase. So the country is bearing a massive cost as a result of this dramatic increase. I just go into the details. In 2004, when we left for office, gas price was 410 rupees a cylinder. Today it is 2014. The gas price was 410 rupees a cylinder. Today it is 885 rupees, 116% increase. Petrol was 71. It's now 101, 42% increase. Diesel was 57. Now it is 88, a 55% increase. And the interesting thing is, people could argue that prices are rising, diesel, petrol prices are rising because international prices are rising. But that's not the case. Because crude oil prices were $105 when we were in power, and today they're $71. That's a decrease of 32%. Gas prices were $880 per metric ton. Today they're $653. That's a 26% drop. So the interesting thing is, there is demonetization taking place, where the farmers, laborers, small traders. तो राहुल गांधी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए, जिसमें उन्होंने पेट्रोल की कीमतें तेजी से किस कदर बढ़ रही हैं इस बात का जिक्र किया, तेल की कीमतों से लोगों को चोट पहुंची है। और अब एक बार फिर से आपको ले चलते हैं उस कार्यक्रम में जिसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। पीएम मोदी इस वक्त इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, जिसमें स्वामी प्रभुपाद जी की 125वीं जयंती पर समारोह किया जा रहा है। पीएम मोदी इस अवसर पर 125 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का जारी भी करने का उनका कार्यक्रम है। मूवमेंट में थे और 1922 में मिले एक महान संत जिनका नाम था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उन्होंने देखा कि बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। उन्होंने कहा कि तुम ले जाओ इस प्राचीन भारतीय संदेश को विदेश में, अंग्रेजी देशों में इसका प्रचार करो। ये आदेश दिया था 1922 में और प्रभुपाद जी प्रयास करते गए। अंत में 1935 में 1965 में विदेश गए। विदेश गए केवल 40 रुपए के साथ और उनके पास एक फ्री टिकट थी कार्गो के जहाज में। प्रयास किया था, लोगों से चंदा ले निकले, इतने सफल नहीं हुए। तो कार्गो शिप में गए और 35 दिन का सफर था। और जब न्यूयॉर्क पहुंचे, उनके मन में यही था कि हमने इस संदेश को प्रचार करना है। बड़े संघर्ष के साथ बाबा जी ने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और बहुत ही संघर्ष के साथ सफलता प्राप्त हुई। उन्होंने पहला इस्कॉन का केंद्र खोला था न्यूयॉर्क में 1935 में। आज विश्व के कोने कोने में आप मेरी संस्कृति का प्रभाव देखते हो। पहली बार इतिहास में भारतीयों ने देखा और प्रॉपर अपने देशी शिष्यों के साथ आए थे। उन्होंने देखा विदेशियों को साड़ी पहनते हुए, धोती पहनते हुए, तिलक लगाते हुए। प्रभुपाद जी ने थोड़े समय में ही ग्रंथों का अनुवाद किया। उनकी गुरु महाराज का आदेश था वैदिक साहित्य का अनुवाद करो। तो इस्कॉन के स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती के अवसर पर यह कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी भी मौजूद हैं और वर्चुअली ये कार्यक्रम हो रहा है इस्कॉन के संस्थापक के लिए। और 125 का सिक्का, 125 रुपए का सिक्का भी प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में जारी करने वाले हैं। महाविद्यालय जो हैं वो भी इन ग्रंथों का लाभ उठा रहे। प्रभुपाद जी ने लगभग 70 ग्रंथों का अनुवाद किया। इनका अनुवाद विश्व की हर प्रसिद्ध भाषा में हो गया। आज आप विश्व के किसी भी महाविद्यालय में जा सकते हैं, गीता को प्राप्त कर सकते हैं।
प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक हैं और उन्हीं के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उनकी 125वीं जयंती है और इसी मकसद से इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। इस्कॉन टेंपल की जो प्रसिद्धता है, जो प्रसिद्धि है, वो सिर्फ देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है और उसके जो फॉलोअर्स हैं वो भारत से ज्यादा विदेशों में बसते हैं, जो अलग अलग इस्कॉन टेंपल्स में आपको नजर भी आते होंगे। 125वीं जयंती है प्रभुपाद जी की और उसी अवसर पर ये प्रधानमंत्री की तरफ से पूरा आयोजन हुआ है। इसमें वर्चुअली प्रधानमंत्री मौजूद है और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी भी आपको लगातार इस वर्चुअल कार्यक्रम में नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ 125 रुपए का सिक्का भी जारी किया जाएगा प्रधानमंत्री के जरिए। अभी पूरा इस्कॉन टेंपल के जो लोग हैं, जो जुड़े हुए हैं इस पूरे कार्यक्रम से, वो इस कार्यक्रम में जो मुख्य वक्ता हैं उनको सुन रहे हैं और उनकी बातों में प्रभुपाद जी की बातों को याद कर रहे हैं। शांति की प्राप्ति के हम प्रयास करें, ये जब हो सकता है तो हम साधु की शिक्षा का लाभ उठा और ये जो संदेश है वे मानस मात्र है। साथ में सामाजिक सेवा विभाग था। हाँ, बाबा जी ने एक फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम शुरू किया था और कहा जाता है कि ये फूड फॉर लाइफ का प्रोग्राम तो हम लगभग विश्व के हर कोने में कर रहे हैं। ये लाखों लोग लाभ उठा रहे हैं और इसके साथ जब ऐसे सामाजिक सेवा की, जैसे जब कोविड आया था कोविड के कैंप खोले हर जगह सामाजिक सेवा के, तो भारतीय संस्कृति अलाम हम सबको उठाना चाहिए। बाबा जी की बड़ी इच्छा थी कि भारतवासी अपनी संस्कृति को नहीं भूले। कई विदेशी स्वामी प्रभुपाद पर सिक्का जारी किया जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी वो सिक्का जारी करेंगे और ये पूरा कार्यक्रम इस्कॉन मंदिर के लिए किया गया है। प्रभुपाद जी की 125वीं जयंती के अवसर पर ये कार्यक्रम है जिसमें उनके नाम के लिए उनकी जयंती के अवसर पर 125 रुपए का सिक्का भी जारी किया जाएगा। और अभी थोड़ी देर पहले संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी भी उन्होंने अपनी बात को रखा जिसमें उन्होंने कहा कि स्वामी जी ने भगवान श्री कृष्ण के संदेश को जन जन तक पहुँचाया है। बड़ी खबर आ रही है अब अफगानिस्तान से। दावा किया जा रहा है कि वहां सरकार बनाने को लेकर याकूब और हकानी गुट में फूट पड़ गई है। खबरें आ रही थी कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के जाने के बाद वहां सरकार बनाने की प्रक्रिया आखिरी चरण में है और इसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन अब खबर है कि वहां सरकार बनाने को लेकर याकूब और हकानी नेटवर्क के बीच खींचतान चल रही है। हालांकि तालिबान नेतृत्व दुनिया के सामने एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब अंदरूनी कलह धीरे धीरे सामने आ रही है। दरअसल मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला याकूब कैबिनेट से, राजनीति से जुड़े लोगों के बजाय सेना से जुड़े लोगों को लाना चाहता है। वहीं मुल्ला बरादर की इच्छा ठीक इसके विपरीत की है। तो एक बार फिर से ये अहम खबर जो अफगानिस्तान के लोगों से जुड़ी हुई है, अफगानिस्तान में मौजूदा जो सरकार को लेकर लगातार रणनीति बन रही है उससे संबंधित है। सरकार बनाने को लेकर याकूब और हक्कानी गुट में अब ऐसा जानकारी है कि फूट पड़ गई है। ये भी खबरें हैं कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के जाने के बाद वहां सरकार बनाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में तो है, लेकिन इस फूट ने उस मामले को और ज्यादा लंबा खींचने की ओर इशारा किया है। इधर अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से जा चुकी है और अफगानिस्तान पर अब पूरी तरह से तालिबान का कब्जा है। अफगानिस्तान में जल्द ही सरकार बनने वाली है। अब आपको बताते हैं कि तालिबान की यह सरकार होगी कैसी। ईरान की तर्ज पर बन सकती है तालिबान सरकार। हिबातुल्ला अखंदजादा अफगानिस्तान का सुप्रीम लीडर होगा और वो कंदहार में ही रहेगा। सरकार चलाने के लिए सुप्रीम काउंसिल बनाई जाएगी। सुप्रीम काउंसिल में 11 से 72 सदस्य हो सकते हैं। मुल्ला बरादर या मुल्ला याकूब पीएम बन सकते हैं। प्रधानमंत्री के नीचे कई मंत्री बनाए जाएंगे। इसके अलावा अब्दुल हाकिम को मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है। खबर आ रही है अफगानिस्तान में एक हफ्ते में तालिबान सरकार बन सकती है। सूत्र बता रहे हैं कि तालिबान की नई सरकार को लेकर पाकिस्तान न सिर्फ नजर बनाए हुए हैं बल्कि पाकिस्तान संवेदनशील मंत्रालयों में अपने करीबी लोग चाहता है। अफगानिस्तान के सूत्रों ने न्यूज 18 को बताया कि सरकार बनाने को लेकर कंदहार में पिछले 4 दिनों से बातचीत जारी है और अगले 1 सप्ताह के अंदर तालिबान की नई सरकार अपनी शक्ल ले सकती है।
सूत्र बता रहे हैं कि अफगानिस्तान में नई सरकार में पाकिस्तान अहम किरदार चाहता है, हालांकि वो तालिबान पर ज्यादा भरोसा नहीं करता। सूत्रों का दावा है कि ऐसे में पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट और ISISK के साथ संपर्क में बना हुआ है ताकि तालिबान पर दबाव जारी रखा जा सके, और इसी बीच तालिबान और नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के अहमद मसूद के बीच बातचीत जारी है। अफगानिस्तान में नई सरकार को लेकर अहमद मसूद चाहते हैं कि उन्हें शामिल किया जाए, लेकिन ये बातचीत किसी अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। दरअसल अफगानिस्तान अब पूरी तरह तालिबान के हवाले है, जिसके नेता बार बार दोहरा रहे हैं कि वो अमेरिका समेत पूरी दुनिया के साथ शांति चाहते हैं। सबसे पहले तालिबान अपनी छवि सुधारने में लगा है, वो दुनिया को ये भरोसा दिलाना चाहता है कि अब वो पुराने तालिबान नहीं रहे, अब वो तालिबान 2.0 है, यानी तालिबान का बेटर वर्जन। तालिबान की पहली प्राथमिकता सरकार की है, जिसके लिए बातचीत का दौर जारी है। अमेरिकी सैनिकों के अफगानिस्तान से पूरी तरह से वापसी के बाद तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तालिबान का जोर दूसरे देशों में अच्छे संबंध बनाने पर है, क्योंकि अब तक उसकी छवि ऐसी रही है कि दुनिया के देश उससे संबंध नहीं चाहते। तालिबान के नेताओं ने इसी भाव को आज पूरी दुनिया में श्रील प्रभुपद स्वामी ने लाखों करोड़ों अनुयायी और लाखों करोड़ों कृष्ण भक्त स्वाभाविक रूप से अनुभव कर रहे हैं। मैं सामने स्क्रीन पर अलग अलग देशों से आप सब साधकों को देख रहा हूं। ऐसा लग रहा है जैसे लाखों मन एक भावना से बंधे हो, लाखों शरीर एक कॉमन कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए हो। ये वो कृष्ण कॉन्शियसनेस है जिसकी अलग प्रभुपाद स्वामी जी ने पूरी दुनिया तक पहुंचाई। साथियों, हम सब जानते हैं कि प्रभुपाद स्वामी एक अलौकिक कृष्ण भक्त तो थे ही, साथ ही वो एक महान भारत भक्त भी थे। उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष किया था। उन्होंने असहयोग आंदोलन के समर्थन में स्कॉटिश कॉलेज से अपना डिप्लोमा तक लेने से मना कर दिया था। आज ये सुखद संयोग है कि देश ऐसे महान देशभक्त का 125वां जन्मदिन एक ऐसे समय में हो रहा है जब भारत अपनी आजादी के 75 साल का पर्व अमृत महोत्सव मना रहा है। श्रील प्रभुपाद स्वामी हमेशा कहते थे कि वो दुनिया के देशों में इसलिए भ्रमण कर रहे हैं क्योंकि वो भारत की सबसे अमूल्य निधि दुनिया को देना चाहते हैं। भारत का जो ज्ञान विज्ञान है, हमारी जो जीवन संस्कृति और परंपराएं हैं, उसकी भावना रही है अथभूत दयाम प्रति, अर्थात जीव मात्र के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए हमारे अनुष्ठानों का भी अंतिम मंत्र यही होता है, इदम न मम, यानी ये मेरा नहीं, ये अखिल ब्रह्मांड के लिए है, संपूर्ण सृष्टि के हित के लिए है। और इसलिए तो देश के सभी के कल्याण की भावना के तहत ही इस्कॉन टेंपल और श्री प्रभुपाद के बारे में जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री मोदी, दर्शन को दुनिया तक ले जाएं। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने गुरु के इस आदेश को अपना मिशन बना दिया और
उनकी तपस्या का परिणाम आज दुनिया के कोने कोने में नजर आता है। अमृत महोत्सव में भारत ने भी सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ ऐसे ही संकल्पों को अपनी आगे की यात्रा का आधार बनाया है। हमारे इन संकल्पों के केंद्र में, हमारे इन लक्ष्यों के मूल में भी वैश्विक कल्याण की ही भावना है और आप सभी इसके साक्षी हैं कि इन संकल्पों की पूर्ति के लिए सबका प्रयास कितना आवश्यक है। आप कल्पना कर सकते हैं, अगर प्रभुपाद जी ने अकेले विश्व को इतना कुछ दिया है तो जब हम सब उनके आशीर्वाद से एक साथ प्रयास करेंगे तो कैसे परिणाम आएंगे। हम जरूर मानवीय चेतना के उस शिखर तक पहुंचेंगे जहां से हम विश्व में और बड़ी भूमिका निभा सके, प्रेम के संदेश को जन जन तक पहुंचा सके। साथियों, मानवता के हित में भारत दुनिया को कितना कुछ दे सकता है, आज इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है विश्व भर में फैला हुआ हमारा योग का ज्ञान, हमारी योग की परंपरा, भारत की जो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल है, आयुर्वेद जैसे जो विज्ञान है। हमारा संकल्प है कि इसका लाभ पूरी दुनिया को मिले। आत्मनिर्भरता के बीच इस मंत्र की श्रील प्रभुपाद अक्सर चर्चा करते थे, उसे भारत ने अपना ध्येय बनाया है और उस दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। मैं कई बार जब आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लक्ष्यों की बात करता हूं तो मैं अपने अधिकारियों को, बिजनेसमैन को इस्कॉन के हरे कृष्ण मूवमेंट की सफलता का उदाहरण देता हूं। हम जब भी किसी दूसरे देश में जाते हैं और वहां जब लोग हरे कृष्ण बोलकर मिलते हैं तो हमें कितना अपनापन लगता है, कितना गौरव भी होता है। कल्पना करिए, यही अपनापन जब हमें मेक इन इंडिया प्रोडक्ट के लिए मिलेगा तो हमें कैसा लगेगा। इस्कॉन से सीखकर हम इन लक्ष्यों को भी हासिल कर सकते हैं। साथियों, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिहि विद्यते, अर्थात ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। ज्ञान को इस सर्वोच्चता देने के बाद उन्होंने एक और बात कही थी, मैव मन अधस्तत्व मई बुद्धिम निवेश है, यानी ज्ञान विज्ञान को हासिल करने के बाद अपने मन को, बुद्धि को कृष्ण में लगा दो, उनकी भक्ति में समर्पित कर दो। ये विश्वास, ये बल भी एक योग है जिसे गीता के 12वें अध्याय में भक्ति योग कहा गया है और इस भक्ति योग का सामर्थ्य बहुत बड़ा होता है। भारत का इतिहास भी इसका साक्षी है। जब भारत गुलामी के गहरे गर्त में फंस गया था, अन्याय, अत्याचार और शोषण से पीड़ित भारत अपने ज्ञान और शक्ति पर ध्यान नहीं लगा पा रहा था, तब ये भक्ति ही थी जिसने
भारत की चेतना को जीवंत रखा, भारत की पहचान को अक्षुण्ण रखा। आज विद्वान इस बात का आकलन करते हैं कि अगर भक्ति काल की सामाजिक क्रांति न होती तो भारत न जाने कहां होता, किस स्वरूप में होता। लेकिन उस कठिन समय में चैतन्य महाप्रभु जैसे संतों ने हमारे समाज को भक्ति की भावना से बांधा, उन्होंने विश्वास से आत्मविश्वास का मंत्र दिया, आस्था के भेदभाव, सामाजिक ऊंच नीच, अधिकार अनाधिकार, भक्ति ने इन सबको खत्म करके शिव और जीव के बीच एक सीधा संबंध बना दिया। साथियों, भारत के इतिहास का अध्ययन करें तो आप ये भी पाएंगे कि भक्ति की इस डोर को थामे रहने के लिए अलग अलग कालखंड में ऋषि, महर्षि और मनीषी समाज में आते रहे, अवतरित होते रहे। एक समय अगर स्वामी विवेकानंद जैसे मनीषी आए जिन्होंने वेद वेदांत को पश्चिम तक पहुंचाया, तो वहीं विश्व को जब भक्ति योग को देने की जिम्मेदारी आई तो श्रील प्रभुपाद जी और इस्कॉन ने इस महान कार्य का बीड़ा उठाया। उन्होंने भक्ति वेदांत को दुनिया की चेतना से जोड़ने का काम किया। यह कोई साधारण काम नहीं था। उन्होंने करीब 70 साल की उस उम्र में इस्कॉन जैसा वैश्विक मिशन शुरू किया। जब लोग अपने जीवन का दायरा और सक्रियता कम करने लगते हैं, ये हमारे समाज के लिए और हर व्यक्ति के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। कई बार हम देखते हैं लोग कहने लगते हैं कि उम्र हो गई, नहीं तो बहुत कुछ करते, या फिर अभी तो सही उम्र नहीं है ये सब काम करने की। लेकिन प्रभुपाद स्वामी अपने बचपन से लेकर के पूरे जीवन तक अपने संकल्पों के लिए सक्रिय रहे। प्रभुपाद जी समुद्री जहाज से जब अमेरिका गए तो वो लगभग खाली जेब थे। उनके पास केवल गीता और श्रीमद् भागवत की पूंजी थी। रास्ते में उन्हें दो दो बार हार्ट अटैक आया यात्रा के दरमियान। जब वो न्यूयॉर्क पहुंचे तो उनके पास खाने की व्यवस्था भी नहीं थी, रहने का तो ठिकाना ही नहीं था। लेकिन उसके अगले 11 सालों में दुनिया ने जो कुछ देखा, श्रद्धेय अटल जी के शब्दों में कहें तो अटल जी ने इनके विषय में कहा था, वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। आज दुनिया के अलग अलग देशों में सैकड़ों इस्कॉन मंदिर है। कितने ही गुरुकुल भारतीय संस्कृति को जीवंत बनाए हुए हैं। इस्कॉन ने दुनिया को बताया है कि भारत के लिए आस्था का मतलब है उमंग, उत्साह और उल्लास और मानवता पर विश्वास। आज अक्सर दुनिया के अलग अलग देशों में लोग भारतीय वेशभूषा में कीर्तन करते दिख जाते हैं। कपड़े सादे होते हैं, हाथ में ढोलक मंजीरा जैसे वाद्य यंत्र होते हैं, हरे कृष्ण का संगीतमय कीर्तन होता है और सब एक आत्मिक शांति में झूम रहे होते हैं। लोग देखते हैं तो उन्हें यही लगता है कि शायद कोई उत्सव या आयोजन है। लेकिन हमारे यहां तो ये कीर्तन, ये आयोजन जीवन का सहज हिस्सा है। आस्था का ये उल्लासमय स्वरूप निरंतर पूरी दुनिया में लोगों को आकर्षित करता रहा है। ये आनंद
आज स्ट्रेस से दबे विश्व को नई आशा दे रहा है। साथियों, गीता में भगवान कृष्ण का कथन है, अद्वेष्टा सर्व भूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुख शमी। अर्थात जो जीव मात्र से प्रेम करता है उनके लिए करुणा और प्रेम रखता है, किसी से द्वेष नहीं करता, वही भगवान को प्रिय है। यही मंत्र हजारों सालों से भारत के चिंतन का आधार रहा है और इस चिंतन को सामाजिक आधार देने का काम हमारे मंदिरों ने किया है। इस्कॉन मंदिर आज इसी सेवा परंपरा के आधुनिक केंद्र बनकर उभरे हैं। मुझे याद है जब कच्छ में भूकंप आया था तो किस तरह इस्कॉन ने लोगों की सेवा के लिए आगे बढ़कर काम किया था। जब भी देश में कोई आपदा आई है, चाहे वो उत्तराखंड की त्रासदी हो या उड़ीसा और बंगाल में साइक्लोन की तबाही, इस्कॉन ने समाज का संबल बनने का काम किया है। कोरोना महामारी में भी आप करोड़ों मरीजों, उनके परिजनों और प्रवासियों के लिए लगातार भोजन और दूसरी जरूरतों की व्यवस्था करते आ रहे हैं। महामारी के अलावा भी लाखों गरीबों के भोजन और सेवा का अनवरत अभियान आपके माध्यम से चलता रहता है। जिस तरह से इस्कॉन ने कोविड मरीजों के लिए अस्पताल बनाए और अब वैक्सीन अभियान में भी सहभागिता निभा रहे हैं, उसकी भी जानकारी मुझे लगातार मिलती रहती है। मैं इस्कॉन को, इससे जुड़े सभी भक्तों को आपके इस सेवा यज्ञ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज आप सत्य, सेवा और स्वामी प्रभुपाद की जयंती पर प्रधानमंत्री ने काफी कुछ कहा है, जिसमें उन्होंने सेवा के भाव को दुनिया ने माना, जिसे स्वामी प्रभुपाद आगे बढ़ाए। स्वामी प्रभुपाद महान देशभक्त हैं, उन्होंने कहा, साथ ही आज देश अमृत महोत्सव उनके लिए मना रहा है। और इधर अफगानिस्तान के पंजशीर घाटी पर कब्जे की लड़ाई और तेज हो गई है। पंजशीर के चार जिलों में तो यह लड़ाई बेहद ही तेज है। अमेरिकी फौज के अफगानिस्तान से लौटते ही तालिबान ने अपना पूरा जोर पंजशीर प्रांत पर कब्जे में लगा दिया है। हालांकि पंजशीर में तालिबान पस्त नजर आ रहा है। तालिबान की एक लड़ाका टुकड़ी कल से ही पंजशीर इलाके में घुसने की कोशिश कर रही है, मगर उसे कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है। नॉर्दर्न अलायंस के गढ़ पंजशीर में तालिबान को मुंह की खानी पड़ी है। खबर है कि NRF के लड़ाकों के साथ हुई झड़प में कई दर्जन तालिबानी लड़ाके मारे गए हैं। इतना ही नहीं, तालिबान लड़ाकों की तरफ से पंजशीर में एक पुल उड़ाने की भी खबर है। दावा किया जा रहा है कि नॉर्दर्न अलायंस के साथ लड़ाई में दर्जनों तालिबानी लड़ाके मारे गए हैं और इतने ही घायल हुए हैं। इसी बीच नॉर्दर्न अलायंस ने दावा किया है कि उनका एक लड़ाका इस जंग में शहीद हो गया है। पूरे अफगानिस्तान में सिर्फ पंजशीर तालिबान के कब्जे से दूर है। यहां पर नॉर्दर्न अलायंस अहमद मसूद की अगुवाई में तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और तालिबान के लिए पंजशीर की लड़ाई नाक की लड़ाई बन गई है। तालिबान की बंदूकों में बारूद भरने वाले पाकिस्तान को भी तालिबान ने आंख दिखानी शुरू कर दी है। पाकिस्तान चाहता है कि ड्यूरेंड लाइन को अफगानिस्तान दोनों देशों की आधिकारिक सीमा मान ले। इसके पीछे पाकिस्तान की दलील है कि सीमा से बहुत ज्यादा तस्करी होती है और ड्रग्स की तस्करी रोकने के लिए सीमा पर सख्ती जरूरी है। हालांकि बताया यह गया है कि पाकिस्तान का असल मकसद ड्यूरेंड लाइन को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाना था। इसके लिए पिछले कुछ वर्षों से पाकिस्तान इस सीमा पर फेंसिंग लगाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। अब तक तारबंदी का काम पूरा नहीं हुआ है और तालिबान के नेताओं ने यह कह दिया है कि वो ड्यूरेंड लाइन को विवाद पर पाकिस्तान के रुख से सहमत नहीं है, क्योंकि इस सीमा के दोनों तरफ पश्तून आबादी है। वैसे अफगानिस्तान में करीब 45% आबादी पश्तून लोगों की है, लेकिन जितने पश्तून लोग अफगानिस्तान में हैं, करीब उतने या उससे भी ज्यादा पाकिस्तान में भी हैं, वो भी अफगानिस्तान की सीमा पर। 1947 में जब पाकिस्तान बना, तभी से अफगानिस्तान को उन पश्तून लोगों की फिक्र होने लगी जो पाकिस्तान में रह गए।
अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान का दांव उल्टा पड़ने लगा है। तालिबान को पालने पोसने वाले पाकिस्तान को अब उसकी ये चाल एक बड़ी भूल महसूस होने लगी है, क्योंकि अफगानिस्तान पर कब्जा होने के बाद तालिबान के नेताओं के सुर वैसे नहीं है जैसे होने की उम्मीद पाकिस्तान कर रहा था। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा विवाद ड्यूरेंड लाइन है, और पाकिस्तान साथ ही अफगानिस्तान के बीच 1894 में ये सीमा बनी थी। जिस अंग्रेज अफसर ने इस लाइन को नक्शे पर खींचा था उनका नाम था सन हेनरी मार्टिमर ड्यूरेंड, इसलिए इस लाइन का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा है। अफगानिस्तान इस लाइन को दोनों मुल्कों की सीमा नहीं मानता है। अफगानिस्तान का कहना है कि यह लाइन पश्तून लोगों को बांटती है। पश्तून लोगों का अफगानिस्तान की आबादी से सबसे बड़ा हिस्सा है, लेकिन जितने पश्तून लोग अफगानिस्तान में हैं करीब उतने या उससे भी ज्यादा पाकिस्तान में भी है, वो भी अफगानिस्तान की सीमा पर। अमेरिका की सेना के काबुल हवाई अड्डों से जाते ही कमांडो वाली हेलमेट लगाए और बुलेट प्रूफ जैकेट पहने फौजियों का एक झुंड घुस गया। उनका हुलिया और हथियार नाटो के कमांडो जैसा ही था, लेकिन बाद में पता चला कि ये अमेरिका और नाटो के बच्चे कुच्चे कमांडो नहीं बल्कि ये तालिबान वाले हैं। तालिबान के नेताओं ने ही बताया कि ये उनकी अपनी कमांडो फोर्स है जिसका नाम है बद्री 313 बटालियन। तालिबान की कमांडो फोर्स जिसके कमांडर का नाम तालिबान के नेता भी नहीं बता रहे हैं। बद्री 313 में तालिबान के कितने लड़ाके हैं इसका भी कोई अता पता नहीं है। तालिबान की तरफ से बस इतना बताया गया है कि उन्होंने बद्री 313 नाम की कमांडो बटालियन बना दी जो काबुल हवाई अड्डे से लेकर अफगानिस्तान के सारे बड़े शहरों की सिक्योरिटी संभालेंगे। तालिबान के नेताओं ने अपने कमांडो दस्ते का नाम बद्री 313 यूं ही नहीं रखा है। इस कमांडो को भी इस्लाम के इतिहास से जोड़ते हुए देखा जा रहा है। बद्री 313 जिसका जिक्र कुरान में भी है, पैगंबर मोहम्मद को अरब के कबीलों के साथ बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। अब से 1398 साल पहले बद्र शहर में पैगंबर ने जिस टुकड़ी के साथ जंग लड़ी थी उसमें कुल 313 लड़ाके थे। बद्र की लड़ाई और 313 सिपाही, वहीं से तालिबान ने अपने बटालियन को बद्री 313 कहना शुरू कर दिया। बद्री 313 के कमांडो आज से 10 साल तक आत्मघाती हमलावर हुआ करते थे। अब बद्री आर्मी को काबुल की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है, तो इसलिए बद्री नाम 313 बद्री 313 कमांडो इनकी बटालियन का नाम रखा गया है। अफगानिस्तान से बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। तालिबान ने काबुल में लोगों को एयरपोर्ट से दूर रहने को कहा है। तालिबान की तरफ से जारी एक बयान में ये कहा गया है कि एयरपोर्ट पर मरम्मत और साफ सफाई का काम हो रहा है, इसलिए लोग एयरपोर्ट पर आने से बचें। पिछले दिनों हमने अफगानिस्तान के एयरपोर्ट की तस्वीरें देखी थी जो दहशत फैलाने के लिए बहुत ज्यादा हावी हो रही थी। किस तरह से प्लेन चल रहा था, लोग उसके इर्द गिर्द थे, कुछ लोगों के प्लेन से गिरने की भी तस्वीरें कैमरे में कैद हुई थी। अनस हक्कानी से जब भारत के हितों से जुड़े कुछ सवाल भी किए गए, सुनिए उन्होंने क्या कहा। भारत का अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, कम से कम 500 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, इसमें से कई सारे पेंडिंग है, कुछ पूरे हो चुके हैं। अगर भारत वहां आकर इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना चाहता है तो क्या आप इसके लिए भारत की मदद करेंगे, इसकी इजाजत देंगे, ये होने देंगे? ये आने वाले दिनों में इंशाल्लाह तो मालूमात हो जाए। जो आज कल कौन से पॉलिसी है हम उस पर ध्यान से समझते, जो काम मिल्लत और लोग के लिए खैर के बिना पर किसी के किस मुमलिकत ने किया है, हम उस खैर मुकदम के थे, उसके लिए हम इंशाल्लाह और भी हेल्प अपने हेल्प हर मुमलिकत के साथ, अगर वो भारत हो दूसरे हो साथ, हम इंशाल्लाह इस चीजों में हम अपने हेल्प करेंगे और जो चीज मिलेगी। तालिबान से मुलाकात पर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार से सवाल किया है कि भारत सरकार अपना स्टैंड साफ करे कि तालिबान एक आतंकी संगठन है या फिर सरकार। उन्होंने कहा कि अगर भारत सरकार तालिबान को एक आतंकी संगठन मानती है तो फिर उन्हें तालिबान से कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए। Either Taliban is a terror organization or it is not. Please clarify to us how you see the Taliban. Is the Taliban a terror organization? If it is not, will you move in the United Nations to have it delisted as a terror organization?
because right now you are presiding over the United Nations Security Council. और इधर बड़ी खबर यूपी के ग्रेटर नोएडा से, वहां फूड डिलीवरी ऐप स्विगी के एक कर्मचारी पर रेस्टोरेंट मालिक की हत्या करने का आरोप लगाया है। न्यूज 18 के दीपक मिश्र की खबर है कि ऑर्डर देने में हुई देरी के बाद डिलीवरी बॉय का रेस्टोरेंट के कर्मचारी से विवाद हुआ। आरोप है कि डिलीवरी बॉय उस वक्त नशे में था और उसने रेस्टोरेंट के कर्मचारी के साथ गाली गलौज शुरू कर दिया, और इस बात की जानकारी मिलते ही रेस्टोरेंट मालिक भी वहां पहुंचा और बीच बचाव की कोशिश करने लगा, लेकिन स्विगी के कर्मचारी का गुस्सा शांत नहीं हुआ और आरोप है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर रेस्टोरेंट मालिक को गोली मार दी और वहां से फरार हो गया। कर्मचारी ने घायल रेस्टोरेंट मालिक को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी मौत की पुष्टि हो गई है। इस घटना के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। किचन चलाते हैं मित्रा सोसाइटी में, सुनील अग्रवाल जी चला रहे थे और ये ऑनलाइन डिलीवरी देते थे, स्विगी और जोमेटो इत्यादि की ऑनलाइन डिलीवरी देते थे। कल 2 डिलीवरी थी, उसी डिलीवरी में एक डिलीवरी नहीं दे पा रहे थे। इस डिलीवरी को लेकर के कहासुनी हुई और कहासुनी होने के बाद उन लोगों ने गोली मार दी। इस समय हम उस घर के बाहर हैं जहां कल रात, जहां से एक किचन चलाया जाता था और किचन रजिस्टर्ड था जोमैटो और स्विगी पे। कल रात में इस किचन के बाहर एक हादसा हुआ है जहां पे किचन के मालिक जो सुनील अग्रवाल नाम बताया जा रहा है, उनको एक स्विगी के डिलीवरी बॉय के साथ 2 लोग थे, उन्होंने गोली मार दी। पुलिस का कहना है कि एक झगड़े को लेकर वारदात हुई है जहां पे स्विगी डिलीवरी बॉय का झगड़ा हुआ है पहले जो रेस्टोरेंट के एक किसी वर्कर के साथ जो वहां पे खाना बनाता था, और उस झगड़े को जब सुलझाने होटल के मालिक सुनील अग्रवाल बाहर आए हैं तो 2 आदमी यहां पे खड़े थे। आप इस तरफ देख सकते हैं, इधर एक ग्रिल है जहां से खाना दिया जाता था, जो रेस्टोरेंट के बाहर एक यहां से ही खाने का लेन देन होता था और डिलीवरी बॉयज यहीं से खाना लेते थे। यहां पे 2 आदमी खड़े थे जिन्होंने सुनील अग्रवाल पे गोली चलाई है। एक गोली उनके सर में मारी गई है जो उनकी मृत्यु की वजह है। यहीं पे यही स्पॉट है जहां पे सुनील अग्रवाल गिरे थे और 2 जिन्होंने गोली मारी थी जो सस्पेक्ट हैं वो भाग गए थे यहां से। और इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अन्विक श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। अन्विक, एक डिलीवरी बॉय जो नशे में है, जिसका विवाद हुआ है, उसके पास गोली कहां से आई, ये मामला कुछ और नजर आ रहा है क्या? जी बिल्कुल, देखिए जो सुनील है, जिसको बताया जा रहा है कि जो डिलीवरी बॉय था उसके साथ 2 लोग और थे, विकास और देवेंद्र। अभी कुछ देर पहले नोएडा पुलिस का एक एनकाउंटर हुआ है, ग्रेटर नोएडा पुलिस का, जहां पे इन्होंने 3 बदमाशों को धर दबोचा है। इसमें विकास नाम का जो व्यक्ति है उसके पैर में गोली लगी है, इन्होंने पुलिस पे गोली चलाई थी और रिटेलिएशन में जब पुलिस ने गोलीबारी की तो विकास के पैर में गोली लगी है। विकास बताया जा रहा है वही शख्स है जिसने सुनील अग्रवाल जो रेस्टोरेंट के मालिक थे उनको गोली मारी थी सिर में और उनका कत्ल किया था। सुनील का पुलिस वेरीफाई कर रही है कि वो अभी स्विगी के साथ काम कर रहा था या किसके, या अभी नहीं काम कर रहा था, बट वो डिलीवरी बॉय काम करता था। शुक्रिया जानकारी के लिए आपका।